कोटा शहर की चारों विधानसभा क्षेत्र की जनता को चंबल का पानी पूरे दबाव के साथ मिलेगा। योजना के लाभ से कोई घर वंचित नहीं रहे, इसी उद्देश्य को लेकर जलदाय विभाग द्वारा योजना को लेकर विभाग के एक्सीएन व एसई स्तर के अधिकारियों द्वारा डीपीआर में जो कमेंट किए गए थे उसको लेकर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना के अंतर्गत सभी को शामिल किया जाए ताकि अधिक से अधिक घरों और जनता को इसका लाभ मिल सके। इसको लेकर 22 टाउन की डीपीआर बनाकर तैयार हो गई है। अमृत 2 योजना में क्या चल रहा है विभाग की योजना? अमृत 2 योजना में कोटा सिटी और इसके अलावा लगभग 183 शहर है पूरे राजस्थान के, जिसमें 1 फरवरी 2024 से ये पीएचडी को वापस बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हमारे यहाँ कोटा रीजन के अंदर लगभग 22 टाउन है। 22 टाउन की हमारी डीपीआर लगभग तैयार हो गई है, वेब पोस्ट है इसमें वो तैयार कर रहा है। उसके तहत लगभग इनके डीपीआर से एक्शन आईसी के पास हमने भिजवा दी है, तो उनके जो कमेंट्स है उसमें कोई मॉडिफिकेशन आवश्यकता है तो उसके लिए वो वेब पोस्ट को भी बुला लिया गया है, तो वो एक बार दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसको हम वापस रिवाइज कर रहे हैं ताकि कोई एरिया छूटे नहीं। मैक्सिमम पॉसिबल जो सरकार ने बजट उसमें एलोकेट कर रखा है उसमें ये बिल्कुल निर्देश है कि कोई भी घर छूटे नहीं, तो कोशिश कर रहे हैं उसमें कि एक्शन ऐसी उसको इंश्योर कर ले कि सारा एरिया कवर हो जाए और वो पुरानी लाइन है वो बदल जाए और नया जो एरिया है बचा हुआ वो भी उसमें कवर हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी चीफ साहब ने वीसी ली थी पिछले वीक में, तो नेक्स्ट 15 दिन में हम हमारी डीपीआर कोशिश कर रहे हैं, इन 22 टाउन की तो हम सबमिट कर देंगे।